हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फरहान खान। मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बीटेक का रिव्यू दूंगा। दोस्तों मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें कट ऑफ क्या रहती है ब्रांच वाइज, और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट कैसा रहता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, कौन सी ब्रांच का कितना है इस प्लेसमेंट है, कौन सी ब्रांच का एवरेज प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, हॉस्टल का क्या मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसी है, लोकेशन कैसी है, और रैंकिंग क्या है, ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा और भी एक्स्ट्रा सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। मैं इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक आपको नहीं मिली है। वो सारा डाटा दोस्तों मैंने ये ऑफिशियल से निकाला है, ठीक है, ऑफिशियल से निकाला है। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीटेक के ऊपर आप रिव्यू ले लीजिए। तो हमने इस वीडियो में बनने में लगभग 10-15 दिन लिए, सारा ऑफिशियल डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद आज हम फाइनली वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम प्लेसमेंट देख लेते हैं, क्योंकि मेन मकसद हमारा क्या रहता है कि हमारे पास पैसा आए, हम पैसे के पीछे भागते हैं ना, तो मेन चीज हम प्लेसमेंट देख लेते हैं दोस्तों। इसका प्लेसमेंट कैसा है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे वो 52, और नंबर ऑफ ऑफर आपको मिले थे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 97। और सीटें कितनी होती हैं दोस्तों, 70 सीटें होती हैं आपकी, ठीक है, हर ब्रांच में आपकी 70 सीटें होंगी, हर एक ब्रांच में 70 सीटें होती हैं, ठीक दोस्तों। उसमें आपके कितने बच्चे प्लेस हो गए, 52 बच्चे प्लेस हो गए, ऑफर कितने थे 97 दोस्तों। ईसी का हाईएस्ट पैकेज कितना रहा था ऑन कैंपस, 25 लाख पर एनम रहा था, हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस। हाईएस्ट पैकेज दोस्तों ऑफ कैंपस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का क्या रहा था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, वो रहा था 45.5 लाख पर एनम। वहीं एवरेज पैकेज आपका रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 10.48 लाख पर एनम, ठीक है। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल का, हम देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे वो 38 हुए थे, नंबर ऑफ ऑफर आपको मिले थे इलेक्ट्रिकल में 53 मिले थे। इलेक्ट्रिकल का जो हाइएस्ट पैकेज रहा है दोस्तों 15.39 लाख पर एनम, ठीक है। वहीं एवरेज पैकेज रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6.27 लाख पर एनम। दोस्तों मैं ये जो डाटा बता रहा हूँ ये जो अभी का बता रहा हूँ 2022 का, ठीक है, कहीं पुराना उराना मत समझना, ठीक है, 2022 का बता रहा हूँ दोस्तों ये मैं, ठीक है। आगे देखता हूँ दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे वो 50, ठीक है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट टक्कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंटों को, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफर मिले थे इनको 83 ऑफर मिले थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और कुछ मत समझना। हाईएस्ट पैकेज जो रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो 16.8 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज दोस्तों रहा था वो 6 लाख पर एनम रहा था, ठीक है। ये मैं सारा ऑफिशियल डाटा से बता रहा हूँ, कोई मैं हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैंने ये जितना भी डाटा निकाला है, मैं जो कुछ आपको बताऊंगा वो मैं सब ऑफिशियली बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों सिविल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिविल में नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए थे 22, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑफर मिले थे आपको 25, हाईएस्ट पैकेज 8 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज 5.42 लाख पर एनम, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे वो 66 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, नंबर ऑफ ऑफर आपको मिले थे 123 नंबर ऑफ ऑफर आपको कंप्यूटर साइंस में मिले थे। कंप्यूटर साइंस का जो हाईएस्ट पैकेज रहा था दोस्तों वो 25 लाख पर एनम रहा था, एवरेज पैकेज दोस्तों आपका कंप्यूटर साइंस का रहा था 11.86 लाख पर एनम, ठीक दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं इसकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कट ऑफ भी हम देखेंगे, थोड़ा सब्र कीजिएगा। देखिए दोस्तों उसमें जो फीस है आपकी, जो फर्स्ट ईयर की जो फीस लगती है वो 16,400, ठीक है, 16,400 लगती है फर्स्ट ईयर की, ठीक है, फर्स्ट ईयर की लगेगी आपकी। और सेकंड ईयर में दोस्तों थोड़ी कम लगती है, ठीक है, सेकंड ईयर में थोड़ी कम लगती है, यानी कि इससे तो कम ही लगेगी दोस्तों, ठीक है, 16,000 से तो कम ही लगेगी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है, फोर्थ ईयर में।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ कंपनी जो विजिट की थी वो लगभग 70 प्लस की थी, ठीक है, ये सारा ऑफिशियल से मैंने निकाला है। और इसकी जो इंजीनियरिंग में जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में जो रैंकिंग है वो 26 मिली है, ठीक है, काफी अच्छी, काफी आईआईटीज और एनआईटीज को इसने पीछे पछाड़ दिया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। लोकेशन इसकी लाजवाब है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब सही है, ठीक है। कट ऑफ देख लेते हैं दोस्तों, जनरल की बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल की, ठीक है। सीएस 32,000 तक मिला था जनरल को, जनरल स्टूडेंट को। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 56,000 तक मिला था जनरल स्टूडेंट को। इलेक्ट्रिकल 93,300 तक मिला था जनरल स्टूडेंट को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 132,542 तक मिला था जनरल स्टूडेंट को। सिविल 165,567 तक मिला था जनरल स्टूडेंट को। मुस्लिम की बात कर लेते हैं जिस पर मुस्लिम कोटा है। कंप्यूटर साइंस मिला था 33,982 तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला था 58,240 था मुस्लिम स्टूडेंट को, मुस्लिम कैटेगरी वालों को, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुस्लिम को, मुस्लिम कैंडिडेट को मिला था 97,846। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 145,112 तक मिला था, ठीक है, मुस्लिम को। सिविल 1,65,953 तक आपको सिविल इंजीनियर मिला था मुस्लिम कैंडिडेट को। मुस्लिम ओबीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, सीएस मिला था 37,840 तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मुस्लिम ओबीसी 60,022 तक मिला था, ठीक दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुस्लिम ओबीसी को 104,653 तक मिला था, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,55,489 तक मिला था। सिविल इंजीनियरिंग मुस्लिम ओबीसी को मिला था 1,68,564 तक। आगे देख लेते हैं मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम वुमेन सीएस 42,199 तक मिला था मुस्लिम वुमेन को सीएस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मुस्लिम वुमेन को 62,290 तक मिला था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुस्लिम वुमेन को 1,04,600 तक मिला था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुस्लिम वुमेन को 1,65,189 तक मिला था। सिविल इंजीनियरिंग मुस्लिम वुमेन को 1,68,500 तक मिला था। वहीं अब पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें सीएस को, सीएस मिला था 6,40,990 तक पीडब्ल्यूडी वालों को सीएस मिला था। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को 7,20,193 तक मिला था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट 7,03,937 तक मिला था। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को 7,75,428 तक मिला था। सिविल इंजीनियरिंग पीडब्ल्यूडी को 7,35,526 तक मिला था। आगे देखते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर कोटे वाले स्टूडेंट सीएस 42,200 तक मिला था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 62,400 तक मिला था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,10,687 तक मिला था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,21,618 तक मिला था जम्मू कश्मीर कोटे को। सिविल 1,65,953 तक मिला था। तो दोस्तों ये रहा आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ओवरव्यू। अगर फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर मैं कमेंट बॉक्स दोस्तों आपका नहीं पढ़ पाऊं तो डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा आईडी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रही बात की रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका दोस्तों तभी आएगा जब जोसा की काउंसलिंग हो जाएगी। तो आप लोग सब्र कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि रिजल्ट के साथ आप लोगों का लिस्ट में नाम भी आ जाए। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।